हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल बायड। टुडेस आवर सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 3। हम जो हमारी पोयम है वो हम लर्न कर चुके हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज लर्न करेंगे बुक में से और वर्कबुक में से। सो बुक में पेज नंबर 40 पे हमारे एक्सरसाइज जो दी गई है वो हम लर्न करते हैं। रीडिंग इज फन, जो हमारी नोटिस है रीडिंग इज फन, उसमें टू क्वेश्चन आंसर है वो लर्न करते हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाई इज स्माइल फनी थिंग्स। स्माइल जो है वो क्यों फनी थिंग्स है, वो क्यों मजेदार थिंग्स है। सो अवर आंसर इज स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस। जब वो हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे रिंकल्स होते हैं, लाइंस झुर्रियां दिखाई देती है, इसलिए वो फनी थिंग्स है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप दूसरे के सामने जब स्माइल करते हो तब क्या होता है। सो व्हेन वी स्माइल एट समवन, जब हम सामने वाले व्यक्ति के सामने, कोई भी हमारे सामने कोई पर्सन होता है, हम उसके सामने जब स्माइल करते हैं तब We will get a smile in return. तो वो हमारे सामने भी स्माइल करता है, वो हमें वापस स्माइल देता है। हम किसी को स्माइल देते हैं तो वो हमें भी स्माइल देता है। इस तरह से हमें स्माइल नहीं होती है, जो होती है वो हमें रिटर्न मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे जॉक दिया गया है। लेट्स लिसन टू अ जॉक। यहाँ पे लायन का पिक्चर ड्रॉ किया है और बॉय का पिक्चर ड्रॉ किया है, वो हम जॉक रीड करते हैं। आई आस्क माई मदर फॉर 20 रुपीज। मैंने मेरी मम्मा से 20 रुपीज लिए, कहा कि मुझे 20 रुपीज दो। टू सी द लायन जम्प द ट्रीज, उसे देखना था कि जो लायन है वो ट्रीज पे कितना हाई जंप करता है, वो उसे बॉय को देखना है। ही जम्प सो हाई, वो कितनी ऊंचाई पे जंप करता है। ही टच द मून, और फिर वो मून पे टच करता है। एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ जून, और फिर कभी वो जून तक वापस आता नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक जॉक है। इसी तरह से नीचे नेक्स्ट दिया गया है, कैन यू टेल अ जॉक एंड मेक एवरीवन लाफ। अगर आपको भी ऐसे आता हो तो आप किसी के साथ जॉक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 41, उसमें वर्ड्स दिए गए हैं, से अलाउड, वो आपको रीड करने हैं, बोलने हैं। फिर नेक्स्ट नीचे की लाइन, यहाँ पर जो लाइन है वो मैं रीड कर रही हूँ। व्हेन वी रीड डब्ल्यू इन कॉलम 3 इट हैज नो साउंड। यहाँ पर जो कॉलम नंबर 3 दिया गया है तो उसके जो पूरे वर्ड्स है वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो हमें डब्ल्यू जो होता है वो हमें बोलना नहीं है, वो लेटर साइलेंट दिया गया है। डब्ल्यू आर आई एन के एल ई रिंकल, तो हमें डब्ल्यू रिंकल ऐसे नहीं बोलना है, रिंकल क्या बोलना है, रिंकल। फिर है डब्ल्यू आर आई डबल जी एल ई रिगल कहेंगे हम, रिगल नहीं कहेंगे, रिगल कहेंगे। डब्ल्यू आर आई टी ई राइट कहेंगे हम। तो इस तरह से हमारे जो कॉलम नंबर 3 है उसमें डब्ल्यू जो वर्ड लेटर दिया है वो साइलेंट है, उसका कोई साउंड हमें प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में साइलेंट होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है। नेक्स्ट है, लुक एट द वर्ड टॉक हियर आई इज साइलेंट। Now say the silent letter in the following words aloud. यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स दिए गए हैं, वो रीड करने हैं आपको। नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एंड आई साउंड दैट राइम्स विथ माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, उसमें हमें आई फिल अप करना है तो हमारे वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट नंबर का है एस एम ब्लैंक्स एल ई, तो एस एम आई एल ई, इस तरह से हमें वर्ड्स लिखने हैं।
हमें यहाँ आई फिलअप करना है। नेक्स्ट है के ब्लैंक्स टी ई आई के आई टी ई आई एस एम आई एल ई स्माइल। और नेक्स्ट है एम आई सी ई माइस। और नेक्स्ट है L I N E लाइन। इस तरह से पेज नंबर 41 में ये जो ब्लैंक्स दी गई है वो आपको फिलअप करनी है। S M I L E स्माइल, A I T E काइट, M I C E माइस, L I N E लाइन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइडल टाइम विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। ये एक पहेली है वो हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा वर्ड है जो बहुत ही लॉन्ग है, तो हमें नीचे के साइड उल्टा करके हमें यहाँ आंसर भी दिया गया है। सो स्माइल बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन द टू एसेस। जो स्माइल का स्पेलिंग है उसमें बीच में माइल आता है, एम आई एल ई स्माइल्स। ये दोनों एस के बीच में यहाँ पे माइल का वर्ड दिया गया है, इसलिए ये हमारे वर्ड का लॉन्गेस्ट वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 42, उसमें यहाँ हमें पिक्चर दिया गया है। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, आपकी आइस क्लोज करना है, आपको सिंग करना, दो पार्टनर के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। आप जब सिंग करोगे तो आपको आपके पार्टनर को आपको कहना है कि ये जो सर्कल दिया गया है उसमें इस तरह से आपको फिंगर करनी है, राउंड राउंड करनी है फिंगर। फिर जब सिंग आपका जो गाना गा रहे होते वो जब बंद हो जाता है तो किस पे आपकी फिंगर आती है वो लेटर आपको रीड करके फिर आपको उससे कुछ वर्ड्स आपको रिमाइंड करके स्पीक करने हैं, बोलने हैं। इस तरह से ही आपको एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 43, टीम टाइम, उसमें भी एक एक्टिविटी ही दी गई है। क्ले जो होता है, मिट्टी जो होती है, उसका यूज़ करके आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनाने हैं। फन टाइम, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से पिक्चर बनाने हैं। इसमें आपको क्ले का यूज़ करना है, फिर रोलिंग पिन एंड इस तरह से आपको पूरा सब कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 44, उसमें हमें राइम्स दी गई है वो हम रीड करते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हो और आप सब कुछ जानते हो तो आप क्या करोगे, वो हमें यहाँ राइम्स दी गई है वो हम लर्न करते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, अगर आप कुछ जानते हो हैप्पी हो तो आपको अपने हैंड से क्लैप करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वॉन्ट टू शो, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट नॉट योर हेड, नॉट योर हेड यानी कि आपकी आपका जो हेड है उसको आपको इस तरह से अप एंड डाउन इस तरह से करना है, उसे हम नॉट योर हेड कहेंगे। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट दैट मीन्स कि आपके जो फीट है, आपके जो लेग है वो आपको यहाँ पिक्चर में हमें दिया गया है, जो लेग है वो उसको अप वन अप एंड डाउन इस तरह से करते हैं तो उसमें से आवाज आती है। सो इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा हा, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फॉर। तो
ये राइम्स में आपको क्लैप क्लैप करना है, नॉड हेड करना है एंड स्टैम्प योर फिट, आपके फिट को वन अप एंड डाउन इस तरह से आपको राइम्स करनी है। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 45, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स दिए गए हैं कर्सिव राइटिंग में, आपको ट्रेस करके राइट करना है। ओके, अब नेक्स्ट हम वर्कबुक में से हमारी एक्सरसाइज लर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कबुक में से एक्सरसाइज लर्न कर रहे हैं, पेज नंबर 39 वर्कबुक में। उसमें फर्स्ट हमें क्वेश्चन आंसर दिए है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज फनी थिंग, मजेदार थिंग क्या है, वो कौन सी थिंग्स है। सो ऑप्शन ए अ प्लेस, बी अ रिंकल, सी अ स्माइल एंड डी अ फेस। सो स्माइल इज फनी थिंग, सो आवर आंसर इज सी। हम यहाँ बॉक्स में सी लिखेंगे। नंबर टू, अ स्माइल ब्लैंक्स अप योर फेस। आप जब स्माइल करते हो तो आपके फेस पे क्या हो जाता है, क्या दिखाई देता है। सो ऑप्शन ए लाइटनेस, बी रिंकल्स, सी डार्कनेस एंड डी ब्राइटनेस। सो आवर आंसर इज बी। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे रिंकल्स झुर्रियां लाइन लाइन हमें दिखाई देती है, तो हम यहाँ ऑप्शन बी लिखेंगे। थर्ड नंबर, व्हाट विल यू नेवर फाइंड अबाउट अ स्माइल। स्माइल के बारे में कुछ ऐसा है जो आप कभी भी ढूंढ पाते नहीं हो। फाइंड मीन्स ढूंढना, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो आप क्या है ऐसा स्माइल के बारे में जो आप कभी ढूंढ नहीं पाते हो। सो ऑप्शन ए इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, बी इट्स रीजन, सी इट्स फेस एंड डी इट्स रिंकल। सो आवर आंसर इज इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। उसकी जो प्लेस होती है वो गुम हो जाती है, तो वो कहाँ चले जाती है, वो हम कभी ढूंढ पाते नहीं है। सो आवर आंसर इज ए। हम यहाँ ए राइट करेंगे। नंबर फोर, व्हेन यू स्माइल एट वन। आप जब किसी के सामने स्माइल देते हो तो वो फिर क्या होता है। ऑप्शन ए ही लुक्स एट यू, बी ही स्माइल्स एट यू, सी ही थिंक्स अबाउट यू एंड डी ही वंडर्स अबाउट यू। सो आवर आंसर इज He smiles at you. वो भी हमारे सामने स्माइल करते हैं। हम किसी को स्माइल देते हैं तो वो भी हमें स्माइल देते हैं। सो वो भी हमें स्माइल देते हैं। नंबर फाइव, one smile blank. सो ऑप्शन ए makes one, बी makes many, सी makes fun एंड डी makes two. वन स्माइल, जब एक स्माइल, मैं आपको अगर स्माइल दूँ तो आप भी मुझे स्माइल दोगे, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो जो स्माइल एक और एक दो हो जाती है, मेक्स अ टू। सो आवर आंसर इज डू डी, आवर आंसर इज डी मेक्स टू। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे हमें यहाँ लुक लिसन एंड रिपीट वर्ड्स दिए हैं, वो हमें रीड करने हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट टू राइमिंग वर्ड्स, वो हम लर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स, राइट टू राइमिंग वर्ड्स, हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं टू टू। फर्स्ट हमें थिंक दिया गया है तो हम उसके दो लिखेंगे, किंग और रिंग। फिर है नेक्स्ट लिंक, तो शिंक एंड पिंक। नंबर थ्री प्लेन, तो प्लेट और प्लेस लिखेंगे। नंबर फोर फाइव, सो माइल एंड हम फाइल लिखेंगे। नंबर फाइव वरी, सो सॉरी एंड हरी। इस तरह से ये हमारे राइमिंग वर्ड है, जो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमारे ये यूनिट नंबर थ्री
एक्सरसाइज हमने बुक और वर्कबुक में से लर्न की है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। थैंक यू।